कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 और 125 में बताया गया है ना। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू होते हैं, एक से लेकर 75 थे सामान्य प्रिंसिपल, उसके बाद 124 से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, गारंटी है, बेलमेंट है, एजेंसी है, सब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपका 124 और 125 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को बताता है। तो 124 जो बताता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, ये पीसीजे में कई बार पूछा गया है। प्री में कम आता है, प्री बहुत सिंपल आता है इसका, पर जो मेंस आता है वो एक ही क्वेश्चन अधिकतर आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से आप क्या समझते हैं और अंतर बताइए, या तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, या फिर इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, यहां पर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है इंडेमनिटी करने, इंडेमनिफाई करने के लिए, क्षतिपूर्ति की संबंध, यानी कि जो संविदा की है हमने क्षतिपूर्ति करने के लिए, यानी कि किसी व्यक्ति को क्षति हुई है तो उस क्षति की पूर्ति करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संविदा की गई हो। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाई विच वन पार्टी या वन पर्सन प्रॉमिस टू सेव द अदर, यानी कि एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है किसी दूसरे से, किसलिए प्रॉमिस कर रही है, उसे बचाने के उद्देश्य से, वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर। अब जो प्रॉमिस किया जा रहा है सेव करने के लिए, किससे, लॉस से, लॉस किससे होना चाहिए, कंडक्ट से। तो डेफिनेशन क्या निकली, इसके अंतर्गत एक पार्टी दूसरे पार्टी से प्रॉमिस करती है कि तुमको जो लॉस हो कंडक्ट के कारण उसकी मैं क्षतिपूर्ति करूंगा। एक पार्टी दूसरे पार्टी से प्रॉमिस कर रही है कि तुम्हें यदि किसी व्यक्ति के कंडक्ट के कारण यदि लॉस हुआ तो मैं क्षतिपूर्ति करूंगा। अब किसके कंडक्ट के कारण लॉस हो सकता है, तो 124 दो चीजों के बारे में बता रहा है, या तो प्रोमिसर के कंडक्ट से या फिर किसी अन्य व्यक्ति के कंडक्ट से ही लॉस हो तो भी इसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। ओके, तो डेफिनेशन क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी प्रोमिस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस caused by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person। तो हिंदी में हम कैसे बोल सकते हैं कि क्षतिपूर्ति की संविदा में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से, दूसरे पक्षकार को क्षति से, हाँ क्षति किसी व्यक्ति के आचरण से या वचनदाता के आचरण से हुई हानि से बचाने के लिए वचन दिया जाता है। तो एक पार्टी दूसरे व्यक्ति को वचन दे रही है कि तुम्हें लॉस से मैं बचाऊंगा, और ये लॉस कंडक्ट से हो, चाहे मेरे कंडक्ट से हो या किसी अन्य व्यक्ति के कंडक्ट से हो। तो यहां पर जैसा एग्जाम्पल है उसमें भी यही कहा गया है कि का ऐसी परिस्थितियों में ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी मे टेक अगेंस्ट बी, मतलब ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि यदि सी तुमके तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करके कुछ पैसे ले लेता है, 200 रुपए वसूल कर लेता है या कुछ भी पैसे लेता है तो मैं भरपाई करूंगा। तो इस बाद में बी इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ 200 रुपीज, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो ऐसी कार्रवाई के लिए जो गा 200 रुपए की अमुक राशि के संबंध में खा के विरुद्ध चलाए, खा की क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है, तो यहां पर यह संविदा हो गई क्षतिपूर्ति की इसके। तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का जो उद्देश्य है, किसी व्यक्ति को सुरक्षित करना, प्रोटेक्शन देना, किससे, लॉस से, और जो लॉस होना चाहिए ये आवश्यक है कि वो लॉस कंडक्ट से ही होना चाहिए, किसी अन्य से ये काम नहीं चलेगा, किसी अन्य से काम नहीं चलेगा। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में डिफरेंस है, क्योंकि इंग्लिश लॉ का क्षेत्र बड़ा है, यहां पर किसी व्यक्ति को लॉस हुआ हो जरूरी नहीं है कंडक्ट से हुआ हो, चाहे एक्सीडेंट से हुआ हो, चाहे फायर से हुआ हो, किसी भी चीज से हुआ हो, उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश लॉ में जितनी भी बीमाएं हैं सब इसके अंतर्गत आती हैं, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। परंतु इंडियन लॉ में जो क्षति है वह मनुष्य के आचरण से ही होनी चाहिए, अन्य किसी वजह से हुई तो वो इसमें कवर नहीं करेगा। केस भी है एडमसन वर्सेस जार्विस, इस मामले में
एक नाम के व्यक्ति के कहने पर बी नाम के व्यक्ति ने कुछ काउ को बेच दिया। बाद में पता चला ये काउ किसकी थी, जेड नाम के व्यक्ति की थी, इसलिए जेड ने बी के खिलाफ सूट दाखिल किया और क्षतिपूर्ति यानी कि जो भी कंपनसेशन था वो वसूल कर लिया काउ की, उसकी जो कॉस्ट थी। अब नुकसान तो अल्टीमेट बी को हुआ, तो इसलिए बी ने ए के खिलाफ केस दाखिल किया, क्योंकि एक एक कहने पर उसने एक काम किया था तो बी हकदार था क्षतिपूर्ति के। ओके, इसके हम एलिमेंट समझे हैं, तो पार्टीज होनी चाहिए, पार्टी दो होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, एक होती है क्षतिपूर्ति दाता, एक होती है क्षतिपूर्ति ग्रहीता या क्षतिपूर्ति धारण करता, यानी कि इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड या होल्डर। ओके, तो होल्डर जिसको क्षतिपूर्ति दी जाती है और इंडेमनीफायर जो क्षतिपूर्ति देता है। और दूसरा है ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किया जाता है किसी लॉस से प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है, ये लॉस से प्रोटेक्शन कंडक्ट से होना चाहिए, चाहे ये कंडक्ट प्रोमिसर का हो या फिर किसी अदर व्यक्ति का हो, और यह एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। और जो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की जो भी सभी अन्य वैलिड आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए, ठीक है ना। और कुछ इसमें शेष?